ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बयान, उन्होंने कहा मेरा कोई फोन टैप नहीं हो रहा, ना मुझे इसकी जानकारी है। सीएम को इस बारे में पत्र लिखने को लेकर बोले सोलंकी, मैंने मुख्यमंत्री को इस बारे में कोई पत्र नहीं लिखा। बोले कुछ मीडिया कर्मियों ने मुझसे फोन टैपिंग होने को लेकर पूछा था सवाल, तो मैंने कहा चर्चाएं तो अलग अलग मेरे पास भी आती रहती हैं, लेकिन यदि कोई फोन टैप होता है तो उसका पता भी नहीं लगता। मुझे तो आभास नहीं हुआ कि मेरा फोन टैप हो रहा है। कहते हैं, लेकिन मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया। मैं कोई मेरे सामने मुझे लगा कि कई लोग बाहर खड़े रहते हैं, कुछ ही खड़े रहते हैं, मुझे लगा नहीं, लेकिन कोई इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं। और न मुझे अभी तक ये भी पता है कि मेरा फोन टेप हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फ़ोन टेप हो रहे हैं। उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उनके अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ICD पीछे लगी हुई है, इस तरह के एक दो विधायकों ने कहा भी ये बात। और ये बात खुद मुख्यमंत्री जी को जाके एक दो विधायकों ने कल बताई भी है। वो साथी किसी के साथी नहीं है, वो साथी कांग्रेस के साथी हैं और उन्होंने अपनी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाई भी है कि हमारे साथ में ऐसी स्थिति हो रही है, तो कहां तक सही है। अब ये पता नहीं विधायक क्यों डरते हैं कोई भी चीज़ के अंदर। मैं तो ये कह रहा हूं, पहले भी शायद हो सकता है आप भी होंगे, उस समय विधानसभा के बाहर भी मैंने कहा था अगर ACD कोई पीछे पड़ी रहती है तो ये तो जनप्रतिनिधि को हमेशा लगा रहना चाहिए कि हमारे पीछे ACD पड़ी हुई है, कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे हम ACD में फंस जाएँ। अरे फंस जाएँ या कोई फंसा दे, बात एक ही होती है, सावधानी रहना अपने लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है लोकतंत्र के अंदर, तो विधायकों को अपना मुख खोलना चाहिए और अपनी बात को पहुंचानी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ।